हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के ट्यूटोरियल में हम प्रॉक्सी सर्वर्स एंड एनोनिमाइजर को कंटिन्यू करेंगे और इसके पार्ट टू में हम टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स देखेंगे और एनोनिमाइजर देखेंगे तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है तो प्रॉक्सी सर्वर एक सिंपली एक दूसरा कंप्यूटर होता है जो दो कंप्यूटर के बीच में हम सेटअप करते हैं ठीक है ठीके? ये प्रॉक्सी सर्वर जनरली क्या करता है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है उसको सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है सर्वर से रिस्पॉन्ड देता है और उसको क्लाइंट के पास रिडायरेक्ट करता है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हाइड करना या किसी भी कंप्यूटर को आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करना ही इसका मेन पर्पज़ रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्लाइंट साइड इंस्टॉल है तो क्लाइंट uh, क्या करेगा रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा और प्रॉक्सी सर्वर ही उसको दूसरे सर्वर्स पे भेजेगा है ना तो जो दूसरे सर्वर्स है वो क्लाइंट को का आईपी एड्रेस और उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानेंगे ये दूसरे सर्वर्स है वो सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस जानेंगे तो ये मेन पर्पज़ होता है प्रॉक्सी सर्वर का जो हमने डिटेल में पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में अब टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर इसी पर्पस के अराउंड टाइप्स डिफाइन करे हुए तो ये दो टाइप के होते हैं एक तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी जिसको हम गेटवे या टनल भी बोलते हैं सेकेंड इज रिवर्स प्रॉक्सी अब ये बहुत ही सिंपल है ठीक है तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर जो क्लाइंट साइड इंस्टॉल होते हैं ठीक है क्लाइंट साइड प्रॉक्सी इसका मतलब ये कोई कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर इसने क्या करा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमेशा वो रिक्वेस्ट भेजेगा एक प्रॉक्सी को ठीक है तो ये कंप्यूटर डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा ये अदर कंप्यूटर से ये क्या करेगा प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी इसको दूसरे कंप्यूटर्स पे रिडायरेक्ट करेगा और इसका रिस्पांस भी प्रॉक्सी रिसीव करके इस क्लाइंट को देगा अब क्या हुआ ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो है वो क्लाइंट साइड प्रॉक्सी होता है और इससे है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है आउटसाइड द वर्ल्ड से ठीक है ये सिंपल है तो इट प्रोवाइड प्रॉक्सी सर्विसेज टू द क्लाइंट और द ग्रुप ऑफ क्लाइंट है ना देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ प्रो ओपन प्रॉक्सी अवेलेबल ऑफ इंटरनेट तो बहुत सारे प्रॉक्सीज अवेलेबल है इंटरनेट पर उसके बाद फॉरवर्ड प्रॉक्सी कैन ऑल्सो बी एनोनिमस प्रॉक्सी एंड अलाउ यूजर टू हाइड देयर आई पी एड्रेस वे ब्राउजिंग द इंटरनेट अब ये जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है वो क्लाइंट साइड इंस्टॉल होता है क्लाइंट इसको यूज करता है इसके कारण क्या होता है कि मान लो ये एक्स वाई जेड पर्सन है वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके ब्राउजिंग कर रहा है इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहा है तो ये एक्स वाई जेड जो है वो प्रोक्सीस इस फॉरवर्ड प्रॉक्सी का यूज करके अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकता है आउटसाइड वर्ल्ड से और एनोनिमसली ब्राउज कर सकता है एनोनिमस मतलब एनोनिमस मतलब वो जिसका कोई नाम ना हो कोई पहचान ना हो ठीक है तो ये सिंपल था अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या रहता है ये एकदम अपोजिट रहता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी का अब फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो है वो क्लाइंट साइड में इंस्टॉल होता है तो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर साइड में इंस्टॉल होता है ये जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्वर्स आउटसाइड द इंटरनेट आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करने हैं तो वो एक प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं तो अ रिवर्स प्रॉक्सी टर्स द अपोजिट ऑफ वॉट फॉरवर्ड प्रॉक्सी टर्स है ना सिंपल है अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड द रिवर्स प्रॉक्सी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सर्वर मतलब फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्लाइंट के बिहाफ में काम करता है और रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर यही इसका मेन डिफरेंस है और रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो सर्वर्स की आइडेंटिटी हाइड करता है है ना अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनोनिमाइजर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये एनोनिमाइजर होने वाला है तो अब एक ऐसा प्रॉक्सी है जिसका अटैकर यूज़ कर सकते हैं है ना जनरली फॉरवर्ड प्रॉक्सी में हमने क्या देखा था कि जो बंदा जो बंदा आ, ब्राउजिंग सर्विसेज यूज़ करता है वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकता है प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू तो एनोनिमाइज़र ऐसे प्रॉक्सी सर्वर होते हैं जो इंटरनेट एक्टिविटी को अनट्रेसेबल बनाते हैं मतलब कि ये पता ही नहीं लगता है कि ये इंटरनेट ब्राउजिंग कौन कर रहा है इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है तो ये एक डेंजरस प्रॉक्सी है तो एन एनोनिमाइज़र इज़ अ प्रॉक्सी सर्वर दैट मेक द इंटरनेट एक्टिविटी अनट्रेसेबल एंड एनोनिमस ठीक है ये क्या करते हैं इसकी हेल्प से जो यूज़र्स है बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करें इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर सकता है और वो कोई बेकार काम में कोई क्राइम भी कंडक्ट कर सकता है ठीक है और ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्लाइंट जो है या अटैकर या यूज़र अपने आईपी एड्रेस और अपनी लोकेशन को हाइड कर देते हैं ठीक है और जो ट्रैकिंग एंड सर्विलियंस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मिसलीड करते हैं मिसलीड मतलब ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस सॉफ्टवेयर को क्या लगेगा कि रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से आ रही है और अगर कोई बैड रिक्वेस्ट आ रही है कोई अटैकर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये सर्विलेंस सॉफ्टवेयर क्या करेंगे वो प्रॉक्सी को ही अलर्ट uh, पे भेज देंगे ठीक है और एक्चुअल क्लाइंट हाइड हो जाएगा अब इसका एक्स कुछ अवेलेबल एनोनिमाइजर है जो अटैकर यूज़ करते हैं सबसे पहले तो टनल बार इन्विजिबल नेट प्रोटेक्ट इसको अपन आई टू पी भी बोलते हैं प्रोक्सीफाई एनोनिमाइज़र यूनिवर्सल अल्ट्रासफ और नेट प्रॉक्सी सर्वर ये सब अपनी एग्जाम में आप लिस्ट कर सकते हैं तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं कल के वीडियो में थैंक यू